नमस्कार दोस्तों, YouTube News 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिखर धवन श्रीलंका दौरे पर तो कुछ खास नहीं कर पाए, मगर आज बताएंगे शिखर धवन की तूफानी बल्लेबाजी के बारे में, उस पारी के बारे में जो श्रीलंका के खिलाफ खेली थी और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी। अगर आप भी शिखर धवन को, गब्बर को महान खिलाड़ी, विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, आप सभी को पता है भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर गई थी, जो कि इंडिया की बी टीम थी। सबसे पहले भारतीय टीम ने वनडे सीरीज को जीत लिया श्रीलंका से, और उसके बाद दोस्तों T20 सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। बहुत बुरी तरीके से हारी भारतीय टीम श्रीलंका से T20 में। मगर दोस्तों, आज बताएंगे उस पारी के बारे में जो खेली गई थी 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 2017 के बीच में, और भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत घमासान मुकाबला खेला गया था ये वाला, जिसमें शिखर धवन ने बहुत बड़ी पारी खेली थी। सबसे पहले भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 600 रन का पहाड़ जैसा इसको खड़ा कर दिया श्रीलंकाई टीम के सामने, जिसमें दोस्तों शिखर धवन ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 31 चौके की मदद से 190 रन की विस्फोटक नाबाद पारी खेल डाली थी। उसके बाद दोस्तों छत्तीसवर पुजारा ने भी 152 रन का योगदान दिया। अजिंक रहाणे ने बहुत अच्छी पारी खेली, वहीं हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या ने भी 50 रन का योगदान दिया। आर अश्विन ने भी 47 रन का योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से नुवन प्रदीप ने 6 बल्लेबाजों का विकेट लिया, तो वहीं लहरू कुमारा ने 3 बल्लेबाजों का पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद दोस्तों श्रीलंका की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आई। श्रीलंका की टीम ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई और पूरी टीम 291 रन पे ऑल आउट हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा रन एंजेलो मैथ्यूज ने 83 रन की पारी खेली। वहीं दोस्तों उपल थरंगा ने भी बहुत अच्छे रन बनाए और अपनी टीम को मगर जिता नहीं पाए, जिसमें सबसे घातक गेंदबाजी करके दिखाई रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के 3 बल्लेबाजों का विकेट लिया, तो वहीं मोहम्मद शमी ने 2 बल्लेबाजों का विकेट लिया। और उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम उतरी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 240 रन बनाए, जिसमें दोस्तों विराट कोहली ने 103 रन का योगदान दिया और अपना शतक ठोक डाला। और दोस्तों भारतीय टीम ने 550 रन का लक्ष्य दे दिया श्रीलंकाई टीम को, जिसको श्रीलंकाई टीम पूरा नहीं कर पाई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 304 रन के बड़े अंतर से जीता और इतिहास रचा। और दोस्तों 4 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि उस सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर इंग्लैंड, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए YouTube News 24।